Assalamu alaikum. Hello, yaar te beliyo mitro chaliyo bakriya te leliyo. Ki haale? Theek ho na? Umeed karta hu sab khair khairiyat se honge, apne pyare pyare janwaron mein maze mein honge. Sabse pehle to gili wali chummi and thank you for love and support 24k ke liye. Matlab 24000 subscribers hamare complete ho chuke hain. Aur अच्छा अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर iPad 8 जनरेशन से रिलेटेड सारी की सारी बात करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मतलब वीडियोस में डाल रहा था लेकिन मुझे बार बार क्वेश्चन एक ही आ रहा है कि अभी iPad 8 जनरेशन लेना चाहिए या 9 जनरेशन का वेट करना चाहिए या iPad 8 जनरेशन अभी के लिए कैसा है क्योंकि अपडेट आई है अपडेट के बाद भी फिर कुछ चेंजिंग्स आती हैं गेम के अंदर और कैसा चल रहा है लैग है नहीं है क्या क्या चीज़ें चेंज हुई कुछ लैग बढ़ा है या कम हुआ है या क्या सीन है ठीक है इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी की सारी वही बात करेंगे सबसे पहले यबली कर लेते हैं खैर देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि मेरे पास आईपैड कौन सा है जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि मेरे पास आईपैड 8 जनरेशन 32 GB वाला है लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाने लगा हूँ देखो गेम हो चुकी है यहाँ पर लोडिंग है ओके 10.45 GB मतलब 10.5 GB की गेम हो चुकी है पबजी यहाँ पर अगर 10.5 GB की ये है सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड करो रिकॉर्डेड करो फिर आप लोग फ़ोटोज़ में कुछ डेटा होता है यूट्यूब ये वो जितने भी ये काम के सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के पास तकरीबन रह जाती है 7 से 8 GB जगह उसमें आप लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हो आईपैड 8 जनरेशन लैग करेगा या नहीं करेगा देखो मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ कि आईपैड 8 जनरेशन बहुत अच्छी डिवाइस है बजट कम है ग्राफिक्स आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं एक्सट्रीम पे स्मूथ मिल जाता है बैलेंस्ड भी मिल जाता है HDR पे अल्ट्रा पे HDR मिलता है HD मिलता है और अल्ट्रा HD भी आप लोगों को अल्ट्रा पे ही मिलता है बाकी सेटिंग्स वगैरह ये हैं ठीक है जो मैंने रखी हुई देखो यहाँ पर सीन ऐसा है कि अगर आप लोग iPad 8 जनरेशन बाय करते हो इसकी आप लोगों को प्राइस जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे भाई हैं वो सेल आउट करते हैं मतलब ठीक है iPads वगैरह ना तो आप लोगों को 60 से 63,000 के बीच में मतलब ये डिपेंड करता है कि प्राइजेज़ वगैरह क्या चल रही हैं आप लोगों को उतने में मिल जाएगा उसके अलावा ये डिवाइस अगर आप लोग iPad 8 जनरेशन लेते हो तो हर बंदे के पास कोई ना कोई फ़ोन एंड्रॉयड होता ही होता है देखो इसमें iPad 8 जनरेशन 32 GB को मैं कैसे चलाता हूँ या 32 GB मेरे लिए कैसे इनफ है हालांकि मैं इससे रिकॉर्डिंग्स भी करता हूँ अभी भी इसी पे रिकॉर्डिंग हो रही है इसी से ही मैं आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम करता हूँ देखो लाइव स्ट्रीम करने के लिए आप लोगों को कोई लंबे चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है लाइव स्ट्रीम वाला जो सॉफ्टवेयर है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ देखो ये स्ट्रीम चैम्प है टोटल 33 MB का है इसका डेटा वगैरह करके 65 MB का ये हो जाता है लाइव स्ट्रीम आपकी सेव नहीं हो रही होती ये नए यूज़र्स को बताने के लिए है जो पुराने जिनको पता है उनके लिए नहीं है ठीक है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 32 GB में कैसे लाइव करेंगे ठीक है आप लोग लाइव इससे कर सकते हो सेम बस कुछ भी नहीं चाहिए होता है इंटरनेट चाहिए होता है उसके अलावा आप लोग अगर रिकॉर्डिंग्स वगैरह करना चाहते हो अपना बैकअप रखना चाहते हो सिंपल आप लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो जिपिया के नाम से ठीक है जिपिया और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर लो क्योंकि एंड्रॉयड हर बंदे के पास होता ही है एक आध यूज़ के लिए अगर जो आईपैड रखा हुआ है जिस बंदे ने तो सिंपल आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा वीडियोज़ आ रही हैं आप लोगों के पास जगह कम बच रही है तो सिंपल आप लोग अपने आईपैड को कनेक्ट करो अपने फ़ोन के साथ एंड्रॉयड के साथ यहाँ से वीडियोज़ उठाओ उसमें डाल लो जब एडिट करनी हो वापस इसमें डाल के आप लोग एक एक एडिट करके अपलोड करते रहो ये बैकअप के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है उनके पास मोबाइल है तो वो अपना मोबाइल के साथ डेटा शेयर करके वहाँ से अपना काम चला सकते हैं ठीक मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ फ़िलहाल तो क्योंकि 32 GB आप लोग अगर यूट्यूब करते हो साथ में टिकटॉक करते हो या गेम प्लेज वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसके अंदर आता है वो यही है इसके अलावा जहाँ तक हम लोग बात करें इसके हीट की और लैग की देखो हीट ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप लोगों को गलत परफॉर्मेंस दे जब आप मतलब ऐसी किसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे है ही पहले से हीट तो फिर आप लोगों को ये लैग भी देगा गंदी परफॉर्मेंस देगा और उसके अलावा फ्रेम ड्रॉप भी आता रहेगा इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद लेकिन अगर
इसकी बात करें नॉर्मल परफॉर्मेंस की, तो चाहे 30 बंदे हों 35 बंदे हों ये लास्ट सर्कल में, तो ये हगता नहीं है उस हिसाब से, ये हगता नहीं है, ठीक चलता है। लेकिन 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 ये जस्ट स्मोक, जहाँ पे चार पांच एक स्मोक किए हुए हों, एक दो स्मोक किए हुए हों, स्मोक के अंदर ये आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे पूरे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को वही चंद सेकंड का स्टक मिलता है जो कि इसके अंदर होता है बूट कैम के अंदर, क्योंकि बूट कैम के अंदर 30-35 बंदे इकट्ठे उतरते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसा स्टक लैग मिलता है जस्ट चंद सेकंड्स के लिए। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस सेम होती है, चाहे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कुछ भी हो। तो उस हिसाब से कम बजट वाली डिवाइस है, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है मेरे पास। क्योंकि देखो, मुझे सभी यही कहते हैं ना कि आप खुद भी तो यूज़ कर रहे हो अक्सर, अगर मैं मिनी फाइव का कुछ बोल दूँ तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जस्ट आप लोगों को इसमें स्पेस का प्रॉब्लम आता है, बाकी अदरवाइज़ इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है। आप लोग बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो डिवाइस, डिवाइस बहुत ही कमाल की है और इंजॉय करोगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो जो जो पाकिस्तान से हैं, तो या तो इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सिंपली इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पर आके आप लोग बात कर सकते हो। तो अगर इसके अलावा अगर आप लोगों ने और कुछ भी जानना है तो कॉमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पर आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तो कुछ और रहता नहीं है, क्योंकि जो जो मेजर बात थी जो बतानी थी कि इसको 32 GB को मैं कैसे चला रहा हूँ या कैसे मामलात हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो मिनी फाइव को भी छोड़ के आप लोग 128 GB वाला ले सकते हो, आईपैड 8 जनरेशन, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अगर यूट्यूब वगैरह करना चाहते हो। कम बजट की बात कर रहा हूँ, देखो ये कम बजट वाले आईपैड्स हैं। तो खैर यही थी वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए यबली बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर 24K सब्सक्राइबर्स।